राष्ट्रीय राजमार्ग पठानकोट मंडी के फोरलेन निर्माण पर अब तक बने संशय को लेकर फोरलेन लोग बड़ी आक्रोशित है। इसी को लेकर इस कमेटी ने पत्रकार वार्ता की। जिला परिषद अध्यक्ष व प्रधान राजेश पठानिया की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता में ये ऐलान कर दिया गया कि सरकार द्वारा पठानकोट मंडी फोरलेन की स्थिति स्पष्ट न की तो लोग बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया चौगान मैदान में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पठानकोट मंडी के फोरलेन निर्माण पर अब तक बने संशय को लेकर फोरलेन लोक बॉडी आकर्षित है। आज इसी को लेकर इस कमेटी ने पत्रकार वार्ता की। जिला परिषद अध्यक्ष व प्रधान राजेश पठानिया की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता में ये ऐलान कर दिया गया कि सरकार द्वारा पठानकोट मंडी फोरलेन की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो लोक बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया चौगान मैदान में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये आमरण अनशन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक सरकार के फोरलेन की स्पष्ट स्थिति का लिखित पत्र नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि फोरलेन की स्थिति जानने का सरकार तथा विभाग से पत्राचार करते करते फोरलेन से प्रभावित और प्रताड़ित लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। उनकी आत्मा लहूलुहान हो चुकी है तथा अब तक इस आमरण अनशन में जान भी अगर चली जाए तो कोई परवाह नहीं। फोरलेन बॉडी के अध्यक्ष राजेश व उदय सिंह पठानिया ने कहा कि पिछले 3 साल से प्रस्तावित फोरलेन परियोजना के कारण प्रभावित लोगों की नींद उड़ चुकी है। 3D नोटिफिकेशन होने के कारण फोरलेन से प्रभावित लोगों की भूमि NHAI के अधीन हो चुकी है, लेकिन उक्त परियोजना का काम लटकने के कारण लोग अपनी ही जमीनों से वंचित हो चुके हैं। बैंक से कर्जा लेने के लिए ना तो उन्हें राजस्व विभाग से भूमि का पर्चा मिल पा रहा है और ना ही भूमि पर निर्माण कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ फोरलेन बनने की घोषणा के बाद लोगों ने अपने व्यापारिक संस्थान व घरों को शिफ्ट करने के लिए बैंकों से कर्ज लिया था ताकि केंद्र सरकार द्वारा उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले जो राशि मिलेगी उससे बैंकों का कर्ज चुका देंगे, लेकिन परियोजना की स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण बैंकों द्वारा लिया गया कर्ज अब लोगों के गले की फांस बन चुका है। बैंकों का लोन ना चुका पाने के कारण कुछ लोग की जमानत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उक्त परियोजना के लटकने से प्रभावित 2 लोग अपनी जान भी खो बैठे हैं। फोरलेन लोक बॉडी ने कहा कि बहुत कुछ सहने के बाद अब सरकार से निर्णायक लड़ाई का मन लोगों ने बना लिया है तथा सरकार को 2 दिन पहले आमरण अनशन का अल्टीमेटम भी दिया गया था, जिसमें ये मांग रखी गई थी कि अगर फोरलेन पठानकोट मंडी का कार्य बंद कर दिया गया है तो हमें 3A की नोटिफिकेशन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अनुसार 12% के हिसाब से ब्याज दिया जाए तथा फोरलेन पठानकोट मंडी का कार्य यदि शुरू करना है तो उसकी तिथि बताई जाए और तब तक फोरलेन के कारण जो लोगों को बैंकों से समस्या है उसका स्थायी समाधान किया जाए। लोक बॉडी पठानकोट मंडी की आज हमारी प्रेस वार्ता हो रही है, इसमें हम ये बताना चाहते हैं माननीय CM साहब से कि हमारी जो डिमांडें हैं, हमने जो आपको अपनी मांगे रखी हैं, पहली तो ये है कि हमारा यथास्थिति मुख्यमंत्री स्पष्ट करें, उसके अलावा हम किसी की नहीं सुनेंगे। दूसरी है कि अगर इसको फोरलेन को बंद कर दिया गया तो इसकी जो 12% 3A की नोटिफिकेशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसका हमें 12% ब्याज दिया जाए, और अगर इसको शुरू करना तो उसकी हमें तिथि बताई जाए, और तब तक जब आप जिस दिन की तिथि देंगे तब तक हमें बैंकों से जो समस्या आ रही है लोगों को उसका स्थायी समाधान चाहिए। और मेरी प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द इसका निवारण करें, अन्यथा हम लोग कल मंगलवार को चुगान ग्राउंड नूरपुर में अमरण अनशन के लिए जा रहे हैं और इसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की होगी।